एक बात मैं सिर्फ करूंगी, मैं जो भी चीज मुझे तकलीफ हो जो भी बात करती हूँ ना, ये मजाक में ले जाता है, सीरियस नहीं लेता उसको। अगर कोई बीमारी आपको चिपके फिर देखना। नहीं कहा था आपको? तो मुझे क्या पता सच कह रहे हो या नहीं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, क्या हाल है? ठीक हूँ, विकट हूँ। आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आप सब बहन भाइयों की दुआ है। तो अभी जो है ना, हम बना रहे सालन, क्योंकि हमने रात बनाया था चिकन, तो हमारे आ गए थे मेहमान, तो वो सालन हमारा रात जगह हुआ था। तो माशाल्लाह से फैमिली हमारी भी बड़ी है ना, तो इसी वजह से अभी हम बना रहे हैं ताज़ा ताज़ा सालन। आज हम बनाएंगे आलू मटर। हाँ जल्दी बन जाएगी, आलू मटर अभी बनाते हैं, फिर गोभी आलू जो है ना वो शाम को बना लेंगे। तो अभी मैं बैठ रही हूँ मटर जो है ना वो निकालने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे निकालते हैं जल्दी से मटर। और बेबो जानी जो है ना वो चला गया था चीज़ लेने, अभी मेरे ख्याल में आवाज़ें आ रही हैं, तो शायद वो आ जाए, तो उसको भी कहूँगी कि मेरे साथ बैठ जाए। और हसन जाने, वो तो आपको पता है कि 3 नहीं बजती वो उठ जाता है और अपने दादू के पास आ जाता है कि मुझे जो है ना ले चलो चाचू वाले के घर। तो अम्मी जान जो है ना उनको लेके उधर है, भाई लोगों के घर उधर चले गए हैं। और अभी मैं जल्दी से काम करूँगी, क्योंकि हसन जाने जब आ जाता है ना वो कोई काम भी नहीं करने देता। और आपके भाई जो है ना वो अभी सुबह वाली नमाज अदा करके अभी अभी सोए, तो वो थोड़ी देर के लिए सोएंगे इंशाल्लाह, वो भी आ जाएंगे। तो अच्छा जैन, मुर्गियाँ निकाली थी? नहीं, आज मेरे ख्याल में मुर्गियाँ भी नहीं निकाली, और जो है ना कबूतर भी वहाँ पे पड़े हैं। अच्छा मैं जल्दी से मटर जोड़ूँ, फिर जो है ना मुर्गियों को निकालते हैं, उनको कोई दाना पानी देते हैं, उसके बाद जो है ना फिर हम अपना खाने के करेंगे, क्योंकि वो तो बेचारी बेजुबान है ना, फिर उनका क्या कसूर है, उनको तो टाइम पे मिलनी चाहिए ना। तो ये जल्दी से मैं जोड़ लूँ, उसके बाद जो है ना हम चलते हैं मड हाउस में, मुर्गियों को निकालते हैं और पौधों को पानी शानी देते हैं, उसके बाद देखेंगे जो होगा। तो जी अभी जो है ना मुझे याद आया कि जब मैं रात खाना बना रही थी तो उस टाइम हमारा सिलेंडर खत्म हो गया था, तो फिर अभी मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि सिलेंडर है या नहीं, तो मैंने कहा सालन बना लेते जल्दी से, चाय वगैरह भी बना लूंगी। लेकिन अभी फिर से याद आया कि सिलेंडर जो है ना रात खत्म हो गया था, अब कैसे करें। फिर मैंने जो है ना पैसे उठाए और अभी जो है ना बच्चों को दिया कि आप जो है ना ये सिलेंडर भरवा के आए और मैं जब तक ये काट लूँ, उसके बाद जो है ना हम फिर स्टार्ट करेंगे खाना पकाना। तो अभी वो सिलेंडर ले जाएं, तो उसको खोलो, वो ले जाओ सिलेंडर, 6 किलो भरवाओ, फिर जो है ना जब तक मैं सब्जी काट लेती हूँ, फिर आके इसको सेट करेंगे, फिर किधर आपने नहीं जाना, वो पैदल जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी, खैरियत से हैं? मैं भी उठ गया, तुसा भी सारे उठ जाओ, देखो नाश्ता भी करो तो वीडियो भी देखो। माशाल्लाह मिसाला बुनी ते बैठी है थे, गैस सिलेंडर इसका खत्म हो गया था, और गैस सिलेंडर भरवा के आए हैं तो चूल्हा फिर खराब हो गया। हमारे घर में चूल्हे वैसे भी ठीक नहीं रहते, जितने भी लेके आया हूँ जब लेके आया हूँ ना ये खराब हो जाते, पता नहीं ये क्या कोई इसके ऊपर दम शम करती है, पता नहीं फूके मारती है कि चले इसको 5-10 दिन हो गए आप न्यू लेके आएगा, इसको बंद करवा देती हूँ। ये भी तो न्यू है ना? न्यू है लेकिन थोड़ा थोड़ा मैला हो गया है ना, इस वजह से शायद चमक रहा है। ये मिसाला वगैरह भून रही थी लेकिन मिस्त्रियों को देनी है चाय, मैंने कहा पहले चाय बना लो, उसके बाद जो है ना फिर ये भी बनाते रहेंगे और खाते रहेंगे, ये तो अपने घर की खेती है ना। तो बहरहाल अभी चाय बन रही है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, आप सबको भी पिलाते हैं। थोड़ा सेक लग रहा है। हाँ जी सही कह रही है, ये थोड़ा थोड़ा सेक लग रहा है, साथ में हाथ लगा के देखो यार, इतनी बड़ा पतीला चढ़ाया साथ जा रहे, उसको टाइम तो लगेगा ना यार, पहले था ना, जब उबलना स्टार्ट होगा देखना ये झलीचेगा नहीं, उबरेगा पूरा फुल। यार इस पे होता, इस चूल्हे पे तो अभी उबर रहा होता। ये वाले कपड़े मुझे कैसे लग रहे हैं आपने बताया है? ये सामने बताने प्यारे लग रहे हैं ना, मैंने और नीचे जो है ना बताना है आपने, लेकिन ये कहता है नहीं ज्यादा लंबे हैं।
बताना है अभी आप सब ने। अगर आपको ज्यादा लंबे लग रहे हैं तो आप पे कट करवा दे यहाँ पे ना, ना हम नहीं कटवाते भाई, ऐसे मौलियों के कपड़े ऐसे होते हैं, ऐसे प्यारे लग रहे हैं मजाक में। हाँ जी, क्योंकि जो लीले काले कपड़े या इस तरह के होंगे ना तो वो सभा करी से करती है, प्यारे लग रहे हैं। लीले काले देखो कितनी, सभा को पता है भाई ये किसी को प्यारा लगेगा नहीं, तो इसलिए कहता है ये ठीक है। वो मेरा सदके, वो मेरा पुत्र आया, वो मेरा जानी, हाय करो उधर, हाय करो, सोने पुत्र नहीं है। सुबह सुबह आके मुझे चाटों की बरसात करता है, चमाटों की ऐसे कहता उठ जाओ बाबा। अभी इसके भी बाल बनवाने हैं, उसके भी बाल बनवाने हैं। यार मुत्री दिल तो पागल है, दो घड़ियां रोके चुप कर जाऊं, जिथे पिछला चूल्हा बढ़ गया ए चूल्हा भी बढ़ बढ़ जाऊं। दिल तो पागल है, दो घड़ियां रोके चुप कर जाऊं। बस इसको बनवा, सारा पैसा इधर लगेगा मेरा चूल्हे। मुझे ना जिंदगी वैसे जिंदगी मेरी गुजर गई है यही गैस सिलेंडर बनवाते बनवाते भरवाते भरवाते, बस कोई लाइफ नहीं मेरी। बस हमने कहा बड़ा सिलेंडर ले आते हैं जान छूट जाएगी, लेकिन ये भी उसी तरह जलील करता है। आप ऐसा करो, ये सिलेंडर चूल्हा हमको वापस कर दो, कोई खराब है ना, ये जलता है, बंद कर यार, हमें ना न्यू और दे दो। अच्छा हाँ, ये हमको वापस कर दो। अच्छा, को पिछले खरी भी आप लोग ने हमें बनवा के दिया था, फिर खराब हो गया। पिछले खरी वारी? अच्छा पिछले वारी जी, तो अब हमें न्यू चूल्हा दो, ये वाला अपना रखो अपने पास, अपने घर ले जाना। अच्छा हाँ, आप अपने घर में खराब, हम अपने घर में कैसे रख सकते हैं? आप वो चेंज नहीं करते, गारंटी है, हमने पैसे नहीं भरे क्या? पैसे भरे हैं पर वो कहते हैं एक बार हमने सही करके दिया, दोबारा नहीं सही करके देंगे। आप सही करके देंगे लेकिन पैसे लेंगे 5,000। यार साल की नहीं गारंटी है, 4,000 का चूल्हा है, 5,000 इसकी बनवाई लगेगी। फिर ऐसा करो, इसको बेच के फिर कुछ इसके पैसे कुछ और मिला के और ले आना। अभी तो ये कबाड़ में 1,000 का बिकेगा, 1,000 का भी कोई किसी ने नहीं लेना। खराब होते हैं, आप सबने कमेंट्स में बताना है ताकि हमें दिल को तसल्ली हो यार बाकी सारों के खराब होते हैं, हमारा नहीं होता। हाँ, आज बताना चूल्हे के हवाले से, गैस सिलेंडर जिस जिस चूल्हे के हवाले, हाँ जो गैस वाले हैं वो नहीं, दूसरे जो ये सिलेंडर वाले हैं ना, ये वाले आपने बताना है। वो तो मुझे पता है गैस वाले नहीं खराब होते, वो अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं, ये खराब होते हैं, हर दूसरे दिन जलील करते हैं। अभी ना मैं आपको चलता हूँ, जो न्यू घर बन रहा है वो जाके विजिट करवाता हूँ, आप सबने साथ रहना है। नहीं मेरी किंजा सोनी है वे नबीला सोनी, रुखसाना ते शबाना है न, इदे ढक्या बैठे हैं, है वे मेरी किंदा सोनी। अभी जो है ना मैं इधर आ गया, मैंने कहा अपनी दीदार कर लो जरा, अभी ढकी हुई है वो, इधर है वो मुश्ताक है, ओ नबीला, ओ सोनी शुमैला, उरूज है? बाकी किधर गई है सारी, किंजा भी नहीं है इधर, सिर्फ जो है ना 4, 3, 5 ही खड़ी है, बस 5 खड़ी है इस छत के नीचे। वो कहते हैं परचम के इस साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, ये मेरी आवाज नहीं थी, साउंड की निकल रही थी, एक है हम एक है। ये हमारा गंजू है, बला सर्दी है, टोपी पात रखा करो, बला सर्दी है, ठंड लग जाएगी। मुझे तो खैर पसीना आ रहा है लेकिन बच्चों को ठंड लग जाएगी, मैंने टोपी पहना दी। घर जाएगा इसके मम्मा पापा कहेंगे मुझे गर्मी नहीं लगती, टोपी चढ़ा के रखी हुई है, बच्चा भी क्या करे मजबूर होता है, सबकी मानता है। ये है कुछ कुछ ये वद्दी है, चलो आशा दे रहा हूँ आपको, चलो चलो घर।
चलो 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 चलो। अभी जो है मैं अपने सोने सोने घरों में पहुंच चुका हूं वीआईपी प्लाट में, और माशाल्लाह से काम काज आपके सामने, वीआईपी विंडो दरवाजे सोने सोने लग रहे हैं। आ जाओ अभी से, आ जाओ। हाय हाय हाय, ईंटें वगैरह भी खत्म होने वाली हैं, दिल की धड़कन तेज हो रही है, क्योंकि जो ईंटों की ट्राली जितना पैसा लेती है ना, मैं कहता हूँ कोई कुछ भी नहीं लेता। ये गैस सिलेंडर, ये चूल्हे, इनके तो क्या पैसे हैं, जो ये ईंटें मंगवाने के पैसे लगते हैं ना। हाय हाय, सबसे महंगी ईंटें होती है, ईंटें और टीआर गार्डर। मैं कहता हूँ यार कोई भी चीज़ है, सरिया देख लो, बजरी, सीमेंट, हर शे महंगी है यार। फिर 10 लाख में मकान बनता है और 20 लाख मजदूरी होती है मिस्त्री की, ये ज्यादा काम खराब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है साहब? साहब ठीक हो? माशाल्लाह, अभी जी पहुंच गए हैं इधर, और माशाल्लाह से अंदर जो है ना, उधर जो वो जगह छोड़ी हुई है ना, उधर लगेंगी विंडो, मतलब दोनों दरवाजों, दोनों कमरों की ना विंडो, क्योंकि आपको पता है बगैर ऐसे गंजे कमरे जो है ना वो सही नहीं होते, विंडो लाजमी होती है, और सफील शफील होती है, चले बर्तन था भांडे ये सारी चीज़ें ना बंदा रख देता है। तो अभी जो है ना, ये हमारा किचन हो गया, यहाँ पे दीवार आएगी और ये हमारा किचन बन जाएगा खूबसूरत वीआईपी। सब कहते हैं ये वाली जगह अच्छी बन रही है, मैंने कहा वो वाली अच्छी है क्योंकि उसमें बैठक भी है, इसमें बैठक भी नहीं है इस वजह से। तो माशाल्लाह से अभी काम शाम चल रहा है, तो बर्फी भी डाल रही है साथ साथ, ये देखें सारी, अभी सुबह सुबह बर्फी आई थी। तो मुंशी भी आ रहा है चाय लेके, चाय पीते हैं जी इंशाल्लाह, इंजॉय करते हैं। मेरी लेके आए हो के? आपकी लेके आया हूँ, मिस्त्रियों की लेके आया हूँ। यार मिस्त्री तो अपने घर से पीते रहते हैं, उनको छोड़ो, चलो जो है ना, हमारे घर में पहली बार पकी है यार, हम भी तो पी ले। आज 9 बजे से आपको पता है चाय बनाने लगे हैं, 12:30 बजे जाके चाय बनी है, इतनी यानी कि हमें जलालत होती है, ये कभी कुछ खराब, कभी गैस नहीं है, कभी अभी गैस भरवाया तो चूल्हा खराब, बड़ा मसला बना हुआ है। हाँ जी, आज बहुत बड़ा मसला बन गया, इसलिए चूल्हे के 3 गल्ले हैं, अब 1 गल्ले से आग निकल रही है, 2 गल्ले बंद है, पता नहीं क्या मसला है, पाइप से पानी आ रहा था, बस धीरे धीरे बस उधर ना डालो ना, और ठंडी हो जाएगी, ये मैं पी लूँ उसके बाद डालना। अभी जो है ना मैयुद्दीन भाई कर रहे हैं पार्टी, पार्टी का मतलब होता है कि वो कुछ भी बांट रहे हैं सबको, यानी कि तकसीम करके प्लेटों में लगा के देंगे। अभी देखेंगे कि वो क्या बांट रहे हैं, किस चीज़ की पार्टी है, कौन सी खुशी है, तो इंशाल्लाह देखेंगे तभी बताएंगे ना। अच्छा ये बात, अच्छा जब भी मुंशी सुनता है ना पीछे से आ जाता है। अच्छा ये ना थी। वैसे खाने पीने के मामले में अक्सर लोग होते हैं जो कि माशाल्लाह सुनते ही भाग पड़ते हैं, ये उनमें से एक है। अल्लाह ही को हिदायत, अल्लाह ही को इसको बहुत दे, अल्लाह इसको रजावे, मेरी ये दुआएं हैं। हमारे घर से तो इसका राज नहीं हो रहा, अब और घरों में भी ये जाके खाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इधर जी आ गए। ओ माशाल्लाह, अम्मी अबू भी चले गए, क्योंकि सारी बस्ती पूरी फैमिली को उसने जो है ना पार्टी दी हुई है, इसलिए अम्मी अबू को भी दी हुई है, शायद दुआ शुआ करवाएगा अबू से। इधर जो है ना आ गया हूँ। प्यारे विवरों, आप देख देख के थक गए, हम खा के नहीं थके, आज फिर वो आलू मटर की रेसिपी ना हमें बहुत पसंद है, क्योंकि एक बार खाते हैं फिर 3 दिन भूख नहीं लगती, इसलिए हमें बहुत पसंद है। आटा गूंद रही है, माशाल्लाह, ये ना आटा ऐसे गूंदती है ना जैसे मैं बचपन में गूंदता था, इंशाल्लाह जल्दी जल्दी गूंदो। फिर आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, आ गए सिर्फ आपके खातिर बैठे हैं। अच्छा लगा दिया माल, चाल चंगा माल है, आना चाहिए था सब, आ रहे हो बस, ये 2 मुट्ठी में सिर्फ, ये 1 मिनट में आपके अंदर सिकेट करते रहो। हाँ नाराज हो जाते हैं ना, कोई ना आए ना टाइम पे फिर नाराज हो जाते हैं, क्या करें, इधर आलू मटर जलते हैं, हमारे चूल्हा चलता नहीं, ये शुक्र है कि ये दरमियान वाला चल रहा है, चले कुछ ना कुछ साथ दे रहा है। जिंदगी दी जम्मा तुझे जेदे उते लाइए, रोलते गए अपार चास वड़ी आईए,
डॉक्टर के पास इंशाल्लाह जाएंगे, पता नहीं आज छुट्टी पे तो नहीं है, पता नहीं डॉक्टर। यार ये बहाना नहीं चलेगा, डेली ऐसे करते हो, जाना है तो बताओ, नहीं जाना तो बता दो मुझे, बहुत चले जाते हैं। ये देखें जी, सारे माशाल्लाह आए हुए हैं, माशाल्लाह जी। ये देखें जी, हम रख रहे हैं माशाल्लाह। अगर पार्टी खत्म नहीं है, पार्टी खत्म नहीं है, खबर नहीं है, सारे बाद में बुला लिया है। चलो कोई नहीं जी, माशाल्लाह शुरू करते हैं रखना। और सबसे पहले नानी और नानी का रखा हुआ था ना, जो बाकी कचौर बची हुई है वो सब अहमद वालों को दे दो। लेट हो माशाल्लाह, बहुत बड़े बड़े समोसे हैं, साथ में चटनी भी है, चिट्टे वाली सफेद वाली, माशाल्लाह जबरदस्त है। पकड़ के बैठी हुई है मुझे, कहती है कहीं अब्बू के समोसे रखा जाए, इतना भी छिट्टा नहीं हो गया हूँ। वाह हसन जानी, बड़े फटाइल से बैठा है खाने समोसे। पहले कहता है मेरे बाबे को दो, इसको ज्यादा भूख लगी है, खाया ही नहीं जी। ओ धार वो आ गए, दुआ मांग रहा था कि ये बंदा ना आए, और सारे उठो जुलो, इकल्ला काफी है, सारे समोसे ना लड़ती भिड़ती कौती। दसी आया उसे तू? मैंने नहीं बताया यार, भाइयों दिन जब भी कुछ मैं बताता हूँ, मुझे कैसे पता चला। हाँ तू अपनी चार दीवारी के अंदर है, जोर से भूख लगाई, सब बात ही नहीं है, वो तक जाती है, वापस आती है। आप सुन रहे थे वहाँ खा जाएंगे समोसे, ये मैं कहाँ है समोसे सुन के आया ऐसे नहीं भाई। अब हमारी पार्टी नहीं है, पहले भाई से पूछ लो, उसने आपको बुलाया है? हाँ बुलाया है, बड़ी गलती की है उसने। नहीं ये फिर तीन घर घूम के आया हुआ है, चौथे घर में आया, पता चला यहाँ है समोसा पार्टी। खाए हो कराची की पकियाँ? हाँ जी। कैसा लगा कराची आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, हम भी इधर देख रहे थे आपके साथ साथ सारा कराची। हाँ जबरदस्त था, अच्छा लगा, घूमे फिरे। अच्छा ज्यादा घूमे फिरे नहीं है, बस एक घर से दूसरे घर, बस दो घर में गए। चलो जब घरों में जाते थे साहब जरा, तो कराची के बाहर बाहर से जाते थे ना? हाँ, कराची शहर शहर से, रक्षे से, इधर उधर। हाँ आप कब जा रहे हो कराची? इंशाल्लाह जल्द जाएंगे। मैंने तो फैसला किया कि बड़े शहरों में जाना नहीं है, ना कराची ना लाहौर। और किधर जाएं? मुझे डर लगता है छोटे छोटे शहरों में जाना पड़ेगा। वो कहते हैं कराची में ना बस पता नहीं होता जिंदगी मौत का, सच में। हाँ ऐसा ही है तकरीबन। उधर जब हम गए ना, इलेक्शन हो रहे थे ना, तो हाँ। उधर एक दो जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। यही है कराची में ना, इतनी ज्यादा वो खौफ है इतनी। उधर हम जब गए थे ना उमरे पे, वीडियो बना रहे थे, सब कमेंट्स आ रहे थे, अहमद भाई कराची में कैमरा चला रहे हो यार, मोबाइल आपका खत्म, या आपको मार देंगे या मोबाइल ले जाएंगे। उधर बोलते थे कि ख्याल से जो है ना, एहतियात से आपने चलाना है। हम जहाँ ज्यादा भीड़ रश होता था उधर नहीं चलाते थे, जो वेली जगह होती थी उधर जो है ना हम चला ले। हाँ इस वजह से ना मैं कराची जाने का फैसला मेरा खत्म है, मैं कभी भी कराची नहीं जाऊंगा। पहले जब ये गया था ना, मैं कमरे से बाहर नहीं निकला था, रोटी पानी और लेके आते थे, मैं नहीं जाता था, मैं कहता था भाई नहीं मैंने नहीं जाना। मुंशी को भेजेंगे कराची, ये तकड़ा है। आप तो कराची रह गए हो ना? जाना भी नहीं बेटा, जाने का दिल भी नहीं करता कराची। हर किसी को हालात का पता है। माशाल्लाह से समोसे खा के आ गए, मैं देखो लेके भी जा रही है उधर, दिखाओ। हाँ, जा रही हूँ लेके आपके भाई के लिए। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, खुद भी खा लेते, चाय भी ले ले, बहुत अच्छी है माशाल्लाह। अभी जो है ना इधर देखते हैं। सुना छोरा मुक्के जा, सोक गया लगा, सोक गया गिलास हटे, एक गिलास और डाल दिया, आलू गाल गए होंगे तेरे, अट्टे थेकड़े तो अभी उतार लो ना, अभी उतारना है ना, ये चलने देती ना, रोटी शुरू कर देती। इसको सुला लूं बाद में। हाँ हसन जानी यार बहुत ज्यादा रो भी रहा है, अपना हाथ भी इसने जला लिया काफी, यानी के गहमा गहमी है बेचारा सदा। सोना पुत्र जितनी मिठाइयां लो ना, मिठास आ जाती है, मिठास ठीक है।
लेकिन ये हरकतें करता है, बच्चा है ना साहब, बचपन में इनके सभा भी ऐसी हरकतें करती थी, हाथ जला लेती थी इस तरह, अब बच्चे भी उसी ये खुद ऐसी तरह था, खुद दीवारों पे चढ़ जाना, दरख्तों पे चढ़ जाना, आग जला लेना, ऐसे हरकतें। नहीं 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 ये बिल्कुल भी सही। आप कौन सा देख रही थी उस टाइम? आप यही नहीं थी, मैं पैदा हो गया था, मैं 4 साल का था फिर ये पैदा हुई थी, क्योंकि सभा 4 साल मुझसे छोटी है ना, मेरी 26 साल है उसकी, फिर 4 साल काटो बाकी 22 साल बनती है उसकी, 22 है पता नहीं 21 है, इतनी है आईडी कार्ड पे, हाँ इतनी है तकरीबन। अम्मी जान भी आ गई है माशाल्लाह, समोसे समोसे खा के, मैं अब तोड़ भी नहीं सकती ऐसे छोटी है। समोसे नहीं खाते? माँ नहीं खाते। पकौड़े खाती हो? ओ तेरे मामू को नहीं देता माँ समोसा। अच्छा आपका भी मामू खा गया? वो आपका खाता है, आपने खाया मेरा खाया, ब्याह के ना खा गया, दो मुंशी का भी खा गया, एक साथ सुल्तान बैठा था उसका भी खा गया, कहते हैं मामू ने 8 समोसे खाए। अब वो चल भी नहीं सकेगा शायद, मामू का इतना पेट हो गया होगा। ये फिर खुशकी भी बहुत करते हैं, पानी पी पी के बुरा हाल हुआ होगा। अरे जी अल्लाह खैर करे, अब ना बस पानी पी पी के, आज तो रोटी तो गई ना, अब रोटी तो गई। हसन जली जो है ना उसको जबरदस्ती सब सुधार ही है, लेकिन वो ऐसे सो रहा है, ऐसे कर रहा है, बच्चों की आदत होती है ऐसे सोया करते हैं ना। और सुनाओ सबा, तबीयत से ठीक है सबा? अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हमेशा हंसती और मुस्कुराती रहो, अल्लाह पाक आपको कभी भी दुख तकलीफ ना दे, हमेशा हमेशा ऐसे हैप्पी रहो ना, ऐसे हैप्पी रहो जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अल्लाह पाक तेरी बड़ी हयाती करे, हमेशा मेरा साया आप पे कायम रहे और आपका साया मेरे ऊपर भी इसका कायम रहे साया। ये बोल रहा था, पंखा क्यों चलाया? उसने चलाया, मैंने नहीं चलाया। सर्दी गर्मी थी ये क्या, दिमाग तेरा खराब है? समोसे के बाद कर देते, कह रहा बंद कर देते सी। अच्छा बताओ अब क्या बताऊं जी, बताना है डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास इसको जाना है जी, चेक करवाना है, क्योंकि उसने कहा था 5वें दिन आके ना फिर आपने चेक करवाना है। डॉक्टर साहब क्या बताएंगे, अभी चलेंगे डॉक्टर साहब चेक करेंगे, चेक करने के बाद जो है ना फिर इसको जो है बताएंगे कि इसकी माशाल्लाह से मुझे तो लगता है इसकी तबीयत काफी बेहतर है, ठीक है ये ना, दुआ करो कि कुछ भी ना हो बस इंशाल्लाह, और दवाई दे दे और ये ठीक हो जाए। आप सबने भी दुआ करनी है मेरी रानी के लिए, मेरी रानी है तो मैं हूँ, ये नहीं तो घर भी सोना सोना, घर भी ये चली जाए ना अपनी अम्मी अबू के घर, यकीन करें पीछे घर बड़ा सा लगता है, क्योंकि बच्चे साथ चले जाते हैं ना, मैंने इसको कहा है कि आप जाया करो, लेकिन बच्चे जो है ना वो छोड़ के जाया करो, बच्चे मेरे बेशक चली जाओ, बच्चे मेरे वापस दे के जाओ। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चों के साथ ना बहुत खुशी होती है, ये फिर चली जाए कहीं ना जाए ऐसे ना, हम तो किसी के बच्चे है ना। हाँ। तो वो कहते हैं ना हर किसी को अपना खून जो है ना वो अच्छा लगता है, अपने खून की खिंचाव होती है। अब देखें ये एक और टॉपिक छिड़ गया, इस टॉपिक पे बात ही नहीं हुई, इस टॉपिक पे बात हुई ना फिर बताएं, इस टॉपिक पे बात हुई है आप खुद बताएं, इस टॉपिक पे बड़ी बात ही नहीं हुई, मतलब आपको तो मैं आपके अम्मी अबू के घर भेज रहा हूँ कि आप उनकी लखते जिगर है, आप उनकी बेटी है, आप उनकी प्यार है, मोहब्बत है, आपकी बेटी हूं ना, आपको भी प्यार होना चाहिए अपनी बीवी से। यार जितनी मैं पता है क्या है, सीधी मुंह पे बात कर रहा हूँ, जितनी प्यार मोहब्बत एक माँ बाप को अपने बच्चों से होती है ना, इतनी ना बीवी को हस्बैंड से होती है, ना हस्बैंड को बीवी से होती है। माँ बाप का प्यार तो कोई भी नहीं उसका हक अदा नहीं कर सकता सबा, माँ बाप का प्यार एक अलग टॉपिक है, उसकी तो कोई इंतहा नहीं है ना प्यार की, लेकिन मियाँ बीवी का प्यार ये एक आर्जी दुनिया का प्यार है, जब इंसान मर जाता है खत्म, दूसरी उसके प्यार को भूल जाती है, शादियां कर जाती है, उसको याद तक उसके लिए खैरात कुल खानी तक नहीं करती, उसको कभी उसके लिए कुरान पाक नहीं पढ़ती कि चले उसको सवाब पहुंचा दो, चले कुछ भी नहीं, ये चीजें जो है ना ये सब दुनियावी है, ठीक है जी, मोहब्बत है प्यार है सब कुछ इनके दिल से है, लेकिन ये दुनिया में आर्जी है, चला जाना खत्म हो जाना है बस, ये चीज है। आप मर जाओगे कुछ दिन होगा उसके बाद सब भूल जाता है, सब खत्म हो जाता है, ये चीजें होती है सब। हाँ मतलब कि एक मंथ गुजरेगा आप मुझे भूल जाओगे बस। अब मैंने जब बात की ना कि ये भूल जाएगी जब मैं मर जाऊंगा, उस टाइम ये चुप थी, बिल्कुल खुश थी कि ये मर जाएगा। अच्छा आपने मेरा नाम कहा ही नहीं है, अपना नाम कहा है, मेरा नाम कहा है कि आप जब मर जाओगे ना मैं ये होगा ऐसे नहीं होना चाहिए। ये एक एक पॉइंट को पकड़ती है, अल्लाह इसको हिदायत दे।
यार हम कौन सा मर रहे हैं, क्या रही बात, आपको पता है असल हकीकत मैं बताऊं, कोई किसी के पीछे मर नहीं जाता बिल्कुल, लेकिन ये पहली पहला हस्बैंड पहली बीवी पहली मोहब्बत कभी नहीं इंसान को भूलती, चाहे वो जितनी भी अच्छा इंसान क्यों ना मिल जाए, लेकिन पहली मोहब्बत कभी किसी को भी नहीं भूलती। लेकिन ये चीज भी है, किसी को पहला हस्बैंड भी इतना ज्यादा यानी कि वो जुल्म करने वाला मिलता है, इतनी जुल्म करने वाला, फिर वो जब दूसरी शादी कर लेती है ना तो फिर वो दुआएं करती है उस दूसरे हस्बैंड को कि यार मुझे अच्छा हस्बैंड मिला, पहले वाला वो सही नहीं था, वो जुल्म करता था, ये था वो था, ऐसे भी होता है। और बीवियां भी ऐसे हैं, कोई ऐसी बीवी टक्कर की मिलती है फिर मर्द को, फिर मर्द कान में हाथ लगा के रोता है, या अल्लाह कोई ऐसी बीवी अता कर जिससे मैं बच जाऊं। काफी मैंने देखी है बीवियां हस्बैंड को मारती है यार, हम तो खैर मजाक में हमारी नोक जोक होती है ना, मैंने देखा है मतलब बीवियां इतनी यानी कि वो करती है, हम सिर्फ जितना भी करते हैं ना वीडियो के अंदर जो कुछ, ये सब एक इंटरटेनमेंट, आप सब हंसते हैं देख के, आप सब कमेंट्स आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, कहमत भाई आपकी नोक झोंक हमें बहुत अच्छी लगती है, जब सभा को तंग करते हो सभा आपको तंग करती है, इस तरह ये तो है हमारी वीडियो में, रियल लाइफ में तो हम कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है, बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसे ना सभा जी। हाँ अभी मिसाल है, मैं वीडियो में कह दू नहीं लेके जा रहा डॉक्टर के पास, नहीं जाना हमने डॉक्टर के पास, लेकिन साहब जरा वीडियो तो आपकी चली गई ओके, फिर हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, ये चीज है ना कि सभा। ऐसी बात है ना, क्या मतलब ये नहीं होता कि हम रोटी खा रहे हैं आपको रोटी दिखाई सालन नहीं दिखाया तो आपने लिख दिया कि आप जो है ना आज बगैर सालन की रोटी खा रहे हो, वो वजह नहीं है कि जो चीज वीडियो में दिखाई जाए वही होती है और भी होती है, ये कोई चीज रह भी जाती है बगैर कैमरे के, काफी चीजें हैं जो कैमरे में नहीं लाई जा सकती। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, चले जी हसन जाने जो सो रहा है इसको मैं कहता हूँ कि ये जल्दी से ना रोटी बना ले जितनी बनानी है, मैंने तो खानी नहीं भाई, मैं तो भी नहीं खानी, हाँ रोटी बना लो जल्दी से, उसके बाद जो है ना फिर इसको ले जाता हूँ जल्दी से डॉक्टर के पास, आज बेबो जानी की कटिंग भी करवानी है, ठीक है बेबो जानी की कटिंग भी करवा देते हैं, उसके बाद आपकी दवाई भी ले लेते हैं, उसके बाद फिर घर वापस आ जाएगी। हसन जानी की वो तो आप सो गए, लेकिन इसकी इतनी खास बड़े नहीं है, चलो कल बनवा लेंगे परसों बना, लेकिन उसके ना ये भी शहजादा है यार, शहजादा आप नहीं, अब उठा लो उठा लो, उठी हुए उठा लो अब नहीं उठा लो, बस बात तो करी उठा लो, जब तक हम रोटी बनाएंगे वो उठ जाएगा, नहीं उठा लो मैं कह रहा हूँ आपको, उठा लो ना इसको उठा लो, ठीक है ले चलो जी बाल, इसके पहले बाल कटवा लो यार, एक बंदे के कटवा ले वो नींद करे बेचारा, अभी उसको नींद आई है, तो मैंने कौन सा कहा अभी लेके जाओ, तो अभी तो जाएंगे हम डॉक्टर के पास, आप कहती है इसको भी साल ले चलो, इसके भी बाल कटवाओ, सबा मेरी रानी जाओ आप उसको ले जाओ, उसके बाल भी कटवाओ और जो करने जाओ, मैं ना डॉक्टर के पास जा रही हूँ ना इसके बाल कटवाती हूँ, मैं कैंची ले आऊंगी इसके बाल खुद कटिंग कर लूंगी। हाँ ये बात, अच्छा बात सुन, हेलो सोनता से गाल क्या है, रोटी पकाने का दसो यार, रोटी बनाने जा रही हूँ लेट हो रही है, एक बजे अम्मी अबू ने रोटी खा ली है, फिर वो गालियाँ होती है, कब आपको यार गालियाँ दी है यार, को लगाम दो, एक बजकर 14 मिनट उन्होंने नमाज अदा करनी है, रोटी खा के नमाज अदा करते हैं, वो जब रोटी बनी होती है नमाज से पहले खा लेते हैं, नहीं बनी होती तो नमाज के बाद खा लेते हैं, गालियाँ नहीं देते, उनको सजा तो नहीं देनी चाहिए, नहीं गालियाँ आपने कहा गालियाँ देते हैं, गालियाँ नहीं देते, नहीं देते वो, हाँ जुबान को ना वो क्या करो तिलक जाती है ज्यादातर ना। अच्छा अब क्या बात है बताओ, मैं जाऊँ फिर, बात ये है सभा के माशाल्लाह से अभी आप खाना शाना बना लो, ठीक है उसके बाद ना हम अपने हाथ पीछे रखो जो बात है करो, मैं जाऊँ। अच्छा बात ये है यार इसको नीचे रखो, वो ठीक है तेरी, हाँ, बात ये है सभा अभी आप रोटी बना लो, ठीक है उसके बाद ना मतलब रोटी बना के ना उसके बाद फिर हम जाएंगे डॉक्टर के पास, फिर जहन को और बेबो जाने को ना हजाम की दुकान पे छोड़ देंगे हवाम पे, वो जब तक बाल कटवा लेंगे तब तक मैं आपको 3-4 इंजेक्शन लगवा के फिर वापस आ जाएंगे, ठीक हो गया, इंजेक्शन तो मैं लगवाऊंगी नहीं यार, फिर कैसे ठीक होगी, वो मुझे टेबलेट देंगे, हाँ टेबलेट देंगे, चलो जी चले प्यारे बहन भाइयों ये रोटी इसको बनाने दो, मैं तो भाई मुझे बहुत ज्यादा नींद आई है जिंदगी में पहली बार, समझ लो आज के हम आज भी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, नहीं नहीं जाएंगे क्योंकि ये सो रहा है ना, जब ये सोता है फिर समझ लो ये उठने वाला नहीं है,
नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ। मैं रात सोया था, देखो सुबह उठ गया। वो कितने मेहनत की है इसको उठाने के लिए, कितनी मेहनत की है हमने। मैं जब भी सोता हूँ ना ये जरूर उठता हूँ। हाँ ये है कि इंसान के अंदर सांस हो, लेकिन ये है जब मैं सो और मेरे अंदर सांस खत्म हो जाए, फरिश्ते मेरी सांस ले जाए, फिर मैं ना उठूं, फिर आपने बात नहीं करनी, पहले देख लेना कि ब्लड का भी मसला हो रहा है, ये भी चेक करवाना है। ब्लड तेरा कुछ भी जो होता है ना तेज होता है ना ही होता, तेरा ब्लड माशाल्लाह ठीक है मेरी तरह, अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये बातें ना कह करो, जो मैं कह रही हूँ वो माना करो। अच्छा मुझे रात से तकलीफ है, कहते कुछ भी नहीं है आपको, कुछ भी नहीं है। तो वो लिखा हुआ आ रहा है ब्लड का मसला है क्या? वो आ रहा है लिखा हुआ आपकी मेमोरी में, यही आ रहा है क्या? सब बात सुनो, बात तो सुन। मुझे ना एक बात मैं सिर्फ करूंगी, मैं जो भी चीज मुझे तकलीफ हो, जो भी बात करती हूँ ना, ये मजाक में ले जाता है, सीरियस नहीं लेता उसको। अगर कोई बीमारी आपको चिपके फिर देखना। ओ यार ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा भी है अभी वीडियो में हम लड़ेंगे फिर बाद में जाएंगे, कहा तो है मैंने अभी वीडियो में लड़ेंगे फिर बाद में जाएंगे, नहीं कहा था आपको? तो मुझे क्या पता सच कह रहे हो या नहीं। यार दसाया भी है कि चलो रोटी बना लो। चले जी आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, जल्दी से ये रोटी बना लेती है, उसके बाद हमने जाना है डॉक्टर के पास, बेबू के बाल भी कटवाने, सबा की दवाई भी लेनी है इंशाअल्लाह ताला। फिर शाम के व्लॉग में आपको सबा बताएगी कि डॉक्टर ने क्या कहा क्या नहीं कहा, कौन सी दवाई दी है, सब आपके साथ शेयर करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, सब बंदाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।